हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि आप विंडोज 7 कंप्यूटर के अंदर साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम के हेल्प से साउंड यानी कि अपना वॉइस किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। बट सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने आपके कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन अटैच किया हुआ होना चाहिए और वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर के ऊपर साउंड वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं साउंड रिकॉर्डर को। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, उसके बाद हमें क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम्स पे, उसके बाद हमें क्लिक करना है एक्सेसरीज पे और यहां पर आपको मिल जाएगा साउंड रिकॉर्डर। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर माइक का आइकन हमें डिस्प्ले हो रहा है, क्लिक कर लेते हैं साउंड रिकॉर्डर के ऊपर। और दूसरा भी ये ऑप्शन है कि आप सीधा विंडोज स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके यहां पर लिख सकते हैं साउंड और वहां से भी आप साउंड रिकॉर्डर क्विकली ओपन कर सकते हो। सो जैसे यहां पर देख रहे हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं भी माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, इसीलिए आपको यहां पर ये जो ग्रीन बार्स है वो थोड़े बहुत उसमें मूवमेंट दिख रही है। उसका रीजन ये है कि जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इस कंप्यूटर के साथ, इसलिए वहां पर थोड़ी बहुत हमें मूवमेंट दिख रही है। अगर आप साउंड रिकॉर्डर की हेल्प से अपना साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर। जब आप अपना वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो जाते हो उसके बाद ही आपको यहां पर क्लिक करना है। सो मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यहां पर क्लिक कर रहा हूं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है, साथ में यहां पर जो सेकंड्स है वो इंक्रीज हो रही है। उसका मतलब ये है कि साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम ने जो मेरा वॉइस है उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है और जब आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा कि आप इस फाइल को कहां पर स्टोर करना चाहते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं उसे स्टोर करना चाहता हूं डेस्कटॉप के ऊपर और इसे हम एक नाम दे देते हैं सैंपल ऑडियो क्लिप, ओके, और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हम यहां से जो साउंड रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है उसे क्लोज कर देते हैं। अब जैसे आप ये फाइल या ये क्लिप को आप प्ले करोगे आपने जो अपना वॉइस रिकॉर्ड किया है वो आपको सुनने मिलेगा। मैं यहां पर वो प्ले करूंगा, फिर भी हमें जो रिकॉर्डिंग है वो सुनने नहीं मिलेगी क्योंकि हम इस कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसलिए सिर्फ आपको माइक में जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो ही सुनने मिलेगी। सो इस तरह से आप विंडोज 7 कंप्यूटर के अंदर साउंड रिकॉर्डर जो बिल्ट इन प्रोग्राम साउंड रिकॉर्डिंग के लिए इंस्टॉल है उसकी हेल्प से आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और उसे जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसे प्ले कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।